सो गाइस, अष्टमी और नवमी के दिन हम लोग गए थे अगरतला पूजा पेंडल देखने के लिए। तो अगरतला पूजा पेंडल कैसे दिखते आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी। तो पहले गए थे हम लोग चित्तरंजन क्लब में, तो चित्तरंजन क्लब की डेकोरेशन बहुत ही अच्छा हुआ था। तो यहाँ पे एंजॉय करके और उसके बाद हम लोग निकल गए कहाँ शांतिपाड़ा का पेंडल देखने के लिए। बहुत ही सुंदर था, क्या बोलो, उसकी लाइटिंग म्यूजिक बहुत ही सुंदर था। तो आप लोग को देखो और एंजॉय करो हम लोग के साथ। ये था शांतिपाड़ा गेट का डेकोरेशन, बहुत ही सुंदर था। तो मैंने सोचा कि खड़े होकर यहाँ पे फोटो खींचे, और देखो ये मेरी एक फर्स्ट फोटो है और उसके बाद देखो एक मेरी दो फोटो है। तो कैसे दिख तो यहाँ पे फिर लाइटिंग देखने के बाद फिर से हम लोग चित्तरंजन पे गए, चित्तरंजन क्लब में, क्योंकि लाइटिंग देखने के लिए। वो यहाँ की लाइटिंग बहुत ही अच्छा था और चित्तरंजन की लाइटिंग भी बहुत अच्छा था, इसलिए हम लोग फिर से चित्तरंजन पे गए थे एंजॉय करने के लिए। उस दिन बहुत ही एंजॉय किया हम लोग ने, और आप लोग ने कैसे कैसे एंजॉय किया दुर्गा पूजा पर। आई नो दुर्गा पूजा वीडियो का बहुत ही लेट हो चुका है क्योंकि मेरी तबीयत अच्छा नहीं था इसलिए। तो तो ये था चित्तरंजन का, बहुत ही एंजॉय किया हम लोग ने। देखो यहाँ पे सब लोग ने एंजॉय किया है और हम लोग बहुत एंजॉय किया यहाँ पे। और उसके बाद बाबा भोलेनाथ का गाना पे, ओ माय गॉड, कितना एंजॉय किया, और नाचे भी यहाँ पे रुक के। और यहाँ से हम लोग निकल गए क्योंकि बहुत ही देर हो चुका था, हम लोग को घर जाने वाले हैं इसलिए। और उसके अगले दिन सुबह ही हम लोग फिर से निकल गए थे यह मंदिर देखने के लिए, क्योंकि यह मंदिर बहुत ही सुंदर था और अगरतला से कुछ दूर था। तो यह मंदिर कौन सा मंदिर है, कौन सा क्लब का मंदिर है, कमेंट पे ज़रूर बताएगा। ओ माय गॉड, क्या बोलो, जितना ही बाहर से सुंदर दिखता है ना, उतना ही अंदर से बहुत ही सुंदर दिख रहा है, आप लोग भी देख सकते हो। यह मंदिर बनाने में कुछ महीने लग जाते हैं, या 4 महीने या 5 महीने, क्योंकि यहाँ पर हैंड वर्क बहुत ही ज़्यादा है। तो ये मंदिर बहुत ही सुंदर दिख रहा है। तो ये मंदिर कहाँ का मंदिर है, कहाँ का क्लब का मंदिर है, तो कमेंट पे ज़रूर बताएगा। और उसके बाद हम लोग गए थे ये मंदिर, तो आप लोग ज़रूर देखे होंगे क्योंकि ये मंदिर को बहुत ही फेमस भी है, क्योंकि बहुत ही फनी, बहुत ही एंटरटेनमेंट का मंदिर है। क्योंकि आप लोग सब जानते होंगे कि अवतार मंदिर है, तो अवतार में क्या क्या लुक होते हैं, क्या क्या कष्ट होते हैं, आई डोंट नो, क्योंकि मुझे नहीं पता। तो आप लोगों को पता हो तो ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कष्ट यहाँ पर स्टेचू कर रखा है। तो हम लोग रात को नहीं गए थे क्योंकि रात को यहाँ पे मतलब बहुत ही देर हो चुका था हम लोग का, तो इसलिए हम लोग सुबह ही निकल गए सुबह ही देखने के लिए। तो बहुत ही सुंदर था, सुबह ही इतना सुंदर कि रात को देखे तो कितना सुंदर होगा, थोड़ा गैस करो। और उसके बाद ये है, पता नहीं कौन सा कास्ट है, और यहाँ पे वो दानव। उसके बाद हम लोग माता का मतलब दुर्गा माता का मूर्ति देखेंगे। तो यहाँ पे युद्ध करने के समय कैसे निकल गए वो सब यहाँ पे है। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे दुर्गा माता का लुक्स, ये है दुर्गा माता का लुक्स, बहुत ही एक्साइट, बहुत ही मतलब सुंदर था। भैया अब बता, जन्म हुआ क्लब को मंदिर है। तो यहाँ पे देखो कृष्ण कन्हैया और उसके बाद जमाई बहू, तो बहुत ही सुंदर दिख रहा था, छोटा छोटा मंदिर, उसके बाद बहुत ही सुंदर था। और हम लोग ने सोचा कि अंदर में कुछ होगा, अंदर में बहुत सारा डेकोरेशन होगा, कुछ खास नहीं था वहाँ पे, सिर्फ दुर्गा माता ही है। उसके बाद हम लोग उसी दिन रात में गए थे हम लोग का वो मणिपुरी पारा में, जो मैंने दिया है आप लोग किया है। तो यहाँ पर जाके तो ओ माय गॉड, कौन सा गाना है, रिक्वेस्ट करो और कमेंट में जरूर बताएगा। Thank you.
गाइस ये था मेरे अष्टमी और नवमी का घूमना, और आप लोग कहाँ कहाँ पे गए थे अष्टमी और नवमी के दिन जरूर कमेंट पे जरूर बताइएगा। और मिलते हैं दशमी के दिन क्या क्या होते हैं और दशमी कैसे होते हैं हम लोग के यहाँ पे, तो जरूर देखें नेक्स्ट ब्लॉग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुशी से रहिए, एंजॉय करिए।